यार अगर आप अभी भी जो है टिकटॉक से नहीं कमा रहे ना तो आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं, क्योंकि बाकी दुनिया जो है टिकटॉक से लाखों डॉलर कमा रही है और आप जो है पाकिस्तान में बैठे हुए सिर्फ ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में टिकटॉक की मोनेटाइजेशन ऑन ही नहीं है, तो हम अर्निंग कैसे करेंगे। पहले मैं आपको अपने अकाउंट का जो है प्रूफ दिखा देता हूँ कि मैं किस तरह से जो है पाकिस्तान में बैठे हुए टिकटॉक से अर्निंग कर रहा हूँ। साइड पे देख भी रहे हैं, ये देखें मेरे जो है लास्ट 30 दिन की अर्निंग देख लें, $43.03 है, ठीक है। ये आप भी कमा सकते हैं। आज मैं आपको जो है यूके अकाउंट बनाने से लेकर जो है विड्रा लेने तक सारा तरीका बताऊंगा। यहाँ से आप देख सकते हैं इस वीडियो का आरपीएम भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, नीचे यहाँ से ये देखिए $11.27, ठीक है। अब ये भी देख लें, इस वीडियो का भी आप आरपीएम देख लें $5.05, ठीक है। ये आप भी कमा सकते हैं, लेकिन किस तरह से मैं सारा आपको इसमें जो है A to Z प्रोसेस बताऊंगा। आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और कमेंट में अपनी राय के साथ ज़रूर कर देना, ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास बार बार पहुंचता रहे और हम जो है बार बार इस तरह से मिलते रहें और एक दूसरे को ग्रो करने में एक दूसरे का साथ दें। तो इसके लिए चलते हैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर और मैं आपको बताता हूं कि आप किस तरह से अपना यूके का अकाउंट जो है बनाकर इसमें कुछ इम्पोर्टेंट सेटिंग करके और अपने अकाउंट को वायरल करके यूके से किस तरह से जो है आप पैसे कमा सकते हैं। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जैसा कि हम अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर आ गए हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास जो है प्ले स्टोर वाली टिकटॉक एप्लीकेशन है तो आपने जो है उसे सिंपल जो है अनइंस्टॉल कर लेना है। अनइंस्टॉल करने के बाद आपने क्या करना है, अपने मोबाइल फ़ोन का जो क्रोम ब्राउज़र है उसे आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ से आपने जिस भी जीमेल पर अपना जो है यूके का या यूएसए का अकाउंट बनाना है तो आपने वो सिंपल यहाँ से जीमेल ऐड कर देनी है। कोशिश करना है कि आपने न्यू जीमेल पर अकाउंट बनाना है ताकि आपका यूके का अकाउंट जो है जल्दी से वायरल भी हो सके। तो यहाँ पर आपने जीमेल लॉगिन करने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपने जो है वेबसाइट को ओपन कर लेना है। यहाँ से मैं जी सिंपल इसे ओपन कर लेता हूँ। तो ये वेबसाइट ओपन करने के बाद इस तरह से इसका जो है कुछ इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा, आप देख लें। अब अक्सर को ये नहीं पता होता कि वो यूके या यूएसए की टिकटॉक जो है किस तरह से डाउनलोड करें, तो यहाँ से आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जो है अगर VPN लगा के अपना USA या UK का अकाउंट बनाना है तो वो भी आप बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये है कि आपके अकाउंट पर जो है व्यूज़ और फॉलो अनफॉलो का जो ऑप्शन है ये शो नहीं होगा। लोग अगर आपको फॉलो करेंगे तो वो खुद ब खुद जो है अनफॉलो हो जाएंगे और आपकी वीडियो पर जो व्यूज़ हैं वो ज़्यादा नहीं आएंगे। तो आपने क्या करना है कि सिंपल जो है आपने USA या UK की जो TikTok एप्लीकेशन है वो आपने यहाँ से जो है इंस्टॉल कर लेनी। तो मैं यहाँ से सर्च करके यहाँ से जो है मैं इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेता हूँ। जैसे आप यहाँ पर जो है टिकटॉक लिखेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन जो है आ गई है, ये देखें, ठीक है। अर्न मनी फ्रॉम टिकटॉक मोनेटाइजेशन, तो आपने ये जो है यहाँ पर क्लिक करके इसे जो है डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से आपके पास ऐड आएगा तो आपने ऐड को क्लोज कर देना है। तो जैसे आप ऐड को क्लोज करेंगे तो यहाँ से आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखें इस तरह से आपके पास ये काफ़ी इनके जो है फीचर भी आपको बता रहे होंगे कि यहाँ से आपको ये फीचर जो है दिए जाएंगे। तो आपने क्या करना है, सिंपल बिल्कुल आपने लास्ट में आ जाना है, जैसे आप लास्ट में आएंगे यहाँ से आपके पास ये डाउनलोड का ऑप्शन है, तो आपने क्या करना है सिंपली जो है इसे डाउनलोड कर लेना है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, यहाँ से आप देखें ये डाउनलोड का ऑप्शन है, आपने यहाँ से जो है इसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसमें जो है USA, UK या किसी भी कंट्री का अकाउंट बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। और आपके जहन में ये भी आ रहा होगा कि ये वेबसाइट हमें कहाँ से मिलेगी, तो वो भी मैं आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। वहाँ से आप जाकर जो है वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। क्रोम ब्राउज़र एप्लीकेशन में आके यहाँ से आपने सर्च कर लेना है टिकटॉक प्लगइन मोड, ठीक है। टिकटॉक ये देखें, आप जैसे लिखेंगे ये देखें टिकटॉक प्लगइन मोड APK, आपने क्या करना है यहाँ से इस पर जो है क्लिक करके यहाँ से ये सिंपल आपने जो है यहाँ से डाउनलोड कर लेनी। ये देखें आपके पास इस तरह से इनका ये देखें ये वाला आ रहा है ऑप्शन, ठीक है, यह पहले वाला है, यह आपने चेक कर लेना, खास ख्याल रखना है। ये देखें नो वाटर और उसके बाद ऑल रीजन, ठीक है। आपने ये जो है यहाँ से इस पर क्लिक करके ये देखें 6 दिन पहले ये आई है अपडेट हो गए। अब आपने क्या करना है यहाँ से इसे जो है डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ से मैं जो है डाउनलोड कर लेता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, तो आपने जी क्या करना है कि इसे डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से इससे ये होता है कि आपका जो है यूके या टिकटॉक अकाउंट जो है ईजिली यहाँ से बन जाता है। यहाँ से
तो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरह से ये एप्लीकेशन आपके पास जो है डाउनलोड हो जाएगी। आपने सिंपल क्या करना है, इसे इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ से ये देखें, ये आपने टिकटॉक प्लगइन ये इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जो आपको मैंने पहले एप्लीकेशन बताई है यूएसए या यूके अकाउंट जिस पर आपने बनाना है वो एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल कर लेनी है। तो ये इंस्टॉल करने के बाद इस तरह से आपके पास ये देखें टिकटॉक एप्लीकेशन जो है यहाँ से ये देखें इंस्टॉल हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, जिस भी कंट्री का आपने अकाउंट बनाना है तो आपने क्या करना है, यहाँ से देखें प्लगइन लिख देंगे या टिकटॉक प्लगइन लिख देंगे। तो ये देखें इस तरह से आपने ये एप्लीकेशन भी जो डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं ये देखें रीजन, ठीक है। अगर आप यूनाइटेड स्टेट का अकाउंट बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। यहाँ से आप देखें और भी कंट्रीज़ हैं, यहाँ से ये देखें यूनाइटेड किंगडम का, यूनाइटेड अरब अमारात का बनाना चाहें तो वो भी आप बना सकते हैं। लेकिन मैं जो है यूके का अकाउंट बनाना चाहता हूँ तो मैं यूनाइटेड किंगडम पे क्लिक करके यहाँ से ओके कर देता हूँ और उसके बाद लॉन्च टिकटॉक पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं लॉन्च टिकटॉक पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये मेरे पास जो है टिकटॉक एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल होकर ओपन होगी। तो आपने क्या करना है, यहाँ से आपके पास ये तीन ऑप्शन आते हैं, यहाँ से आपको मैं दिखा देता हूँ। यूज़र नेम और ईमेल के जरिए आप इसे लॉगिन कर सकते हैं। फेसबुक के साथ कनेक्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आपने जो है जो भी आपने न्यू फ्रेश जीमेल बनाया आपने उस पर अकाउंट बनाना है। तो यहाँ से आपने कनेक्ट विद गूगल पे क्लिक कर देना है। ऐसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये देखें जिस भी जीमेल पे आपने अकाउंट बनाना है वो जीमेल यहाँ से आपकी जो है खुद ब खुद पिक कर लेगा क्रोम ब्राउज़र से। तो यहाँ से ये देखें आपके पास इस तरह से ये जीमेल आ जाएंगे। अब आपने क्या करना है, यहाँ से अपनी उस जीमेल को यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है। ये देखें जैसे आप सेलेक्ट करेंगे इस तरह से आपके पास ऑप्शन आ जाएगा साइन इन टू टिकटॉक। आपने क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आपके पास इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा कि आपने जो अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर ऐड करनी है। अब अक्सर को ये नहीं पता होता कि हमने ये डेट ऑफ बर्थ कौन सी लगानी है, तो आपको मैं ये सजेस्ट कर दूँ आपने जो भी यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है अपने आईडी कार्ड के हिसाब से देनी है। तो यहाँ से मैं अपने आईडी कार्ड के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ ऐड कर देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ ऐड करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये देखें आपकी जो भी जीमेल या ईमेल होगी तो वहाँ से जो है यहाँ से टिकटॉक एप्लीकेशन जो है वहाँ से आपका नाम जो है वो पिक कर लेगा। अगर आप और नाम रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यहाँ से आप और भी जो है अपने हिसाब से यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ये देखें जो भी आप रखना चाहें आप रख सकते हैं, नहीं तो आप यहां से स्किप कर देंगे। तो ये देखिए आपके पास ये देखिए टिकटॉक एप्लीकेशन ओपन होके आ गई। यहां से आप देख सकते हैं, ये देखिए ये देखिए ये लाइव का ऑप्शन भी आ गया। और यहां से मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए प्रोफाइल पे क्लिक करके ये देखिए मेरा अकाउंट जो है यूएसए या यूके का अकाउंट बन गया। लेकिन मैंने यूके का अकाउंट बनाया तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरा यूके का अकाउंट बन गया। आपको वो मैं दिखा भी देता हूँ। यहाँ से थ्री लाइन पे आपने क्लिक करना है, क्रिएट टूल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्रिएटर टूल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं जी, ये देखें क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम, उसके बाद टिकटॉक शॉप फॉर क्रिएटर, ठीक है। तो ये मैंने जो है पहले भी अपना अकाउंट जो है बना के मोनेटाइज़ किए हुए हैं। मैंने 5-6 अकाउंट बनाए और अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 अकाउंट मैंने वायरल किए हैं। तो यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ क्रिएटर रिवार्ड में जो है टिकटॉक हमें क्या जो है शरायत देता है कि कौन सी शरायत को हम फॉलो करेंगे तो हमें जो है ये अपना पार्टनर प्रोग्राम देगा, ठीक है, या हमें जो है यहाँ से अर्निंग होगी। तो यहाँ से आपने क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ से भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप यहाँ से भी अर्निंग कर सकते हैं, अपना शॉपिंग स्टोर यहाँ पर ऐड करके उससे भी आप यहाँ पर अर्निंग कर सकते हैं। और उसके बाद ये देखें और भी काफ़ी सारे ऑप्शन है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से रिवार्ड प्रोग्राम पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको टिकटॉक कहता है कि अगर आपके अकाउंट पर जो है 10,000 फॉलोअर और 1,00,000 व्यूज़ लास्ट 13 दिन के अंदर मुकम्मल हो जाते हैं और अगर आपकी उम्र जो है 18 साल से ज़्यादा है तो हम जो है आपको यहाँ से जो है रिवार्ड देंगे, यहाँ से आपको जो है पैसे देंगे, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं आपने जो है 10,000 फॉलोअर और 1,00,000 व्यूज़ जो है आपने लास्ट 30 दिन के अंदर मुकम्मल करने होते हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपकी वीडियो एक मिनट की हो, अगर आपकी वीडियो एक मिनट से कम भी होगी तब भी जो है आपके व्यूज़ काउंट होगी। लेकिन जब आपका अकाउंट मोनेटाइज हो जाएगा तो तब आपको जो है एक मिनट या इससे ज़्यादा की वीडियो लगानी पड़ेगी, फिर जाके आपको जो है इसका रिवार्ड मिलेगा, इसका बोनस मिलेगा या इसके जो है आपको डॉलर मिलेंगे, ठीक है, या आपको पाउंड मिलेंगे, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये देखें इनका जो है ये देखें आपको ये शायद बताता है कि जब आपका अकाउंट मोनेटाइज हो जाता है तो आपको वीडियो जो है एक मिनट या इससे ज़्यादा की लगानी होती है, तभी हम आपको जो है इसका डॉलर देंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ दूसरा तरीका जिससे आप अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं ये देखें टिकटॉक शॉप फॉर क्रिएटर, यहाँ से आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आप जो है टिकटॉक पर शॉपिफाई और उसके बाद जी अमेज़ॉन और द्राज की तरह यहाँ पर अपना जो है आप शॉप ओपन कर लेते हैं यहाँ से, तो इससे भी आपको जो है डॉलर मिलते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं इसके लिए टिकटॉक की कम्युनिटी ये कहना चाहती है कि अगर आपके जो है
अकाउंट पर कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन नहीं है और आपके अकाउंट पर जो है 5,000 फॉलोअर हैं, तो वो भी यहाँ पर आप जो है अपना टिकटॉक शॉप एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। अब अक्सर ये भी सवाल करते हैं कि सर हमने अपना जो है ओल्ड अकाउंट मोनेटाइज करना है, वो किस तरह से करें। अगर आपने भी अपना ओल्ड अकाउंट जो है मोनेटाइज करवाना है तो वो भी आप कमेंट करके जो है पूछ सकते हैं, उसके लिए भी मैं वीडियो बनाकर भेज दूंगा ताकि आप भी जो है मुफ्त में जो है अपना ओल्ड अकाउंट मोनेटाइज करके टिकटॉक से अर्निंग कर सकें, टिकटॉक से डॉलर कमा सकें। ठीक है, अब यहाँ से आपने ये चेक कर लेना है, उसके बाद यहाँ से आपको दिखा देता हूँ, ये देखें प्रमोट। अब अक्सर ये सोचते हैं कि अगर हम जो है 10,000 फॉलोअर को बाय कर लेते हैं या 1,00,000 व्यूज़ जो है हम ले लेते हैं तो हमारा जो है टिकटॉक का अकाउंट मोनेटाइज होगा या नहीं होगा, वो भी मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। अगर आप टिकटॉक एप्लीकेशन से ये 10,000 फॉलोअर और 1,00,000 व्यूज़ ले लेते हैं फिर भी आपका जो है टिकटॉक अकाउंट जो है मोनेटाइज हो जाएगा। अगर आप किसी वेबसाइट से लेते हैं तो उससे भी हो जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि वेबसाइट वाले आपके जो फॉलोअर हैं वो एक्टिव हो, नॉन एक्टिव ना हो। यहाँ से आप देख सकते हैं इनका, ये देखे प्रमोट के लिए जो कि न्यू यूज़र के लिए टिकटॉक टीम ने एक बड़ा ही बेनिफिट दिया है। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आपसे कहा जाता है कि चूज़ आ प्रमोशन पैक। ठीक है, 1,000 व्यूज़ अगर आपने लेने हैं, 16,000 व्यूज़ लेने हैं, 2,000 व्यूज़ लेने हैं तो उसके आपको जो है मुख्तलिफ सी प्राइस भी दिखा दी जाएगी। यहाँ से मैं 16,000 व्यूज़ पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ से आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखें 16,000। उसके बाद देते हैं टैक्स रीजन, यहाँ से आपने लोकेशन सेट कर लेनी है कि किस कंट्री से आपने किस सिटी से जो है अपने व्यूज़ लेने हैं, तो वो आपने यहाँ से जो है कंट्री या रीजन जो है यहाँ से आपने जो है कंट्री सेट कर लेनी। पाकिस्तान से लेने तो आप पाकिस्तान ले सकते हैं, यहाँ से यूनाइटेड जो है यूनाइटेड स्टेट से लेने तो वो भी आप यहाँ से लिख सकते हैं। अगर सिटी लेना है, जिस सिटी से आपने लेने हैं व्यूज़, वो यहाँ पर आपने जो है लोकेशन पे आके चेक कर लेना। उसके बाद डैशबोर्ड है, तो जैसे आपका अकाउंट मोनेटाइज हो जाता है तो यहाँ से आपको जो है लास्ट 28 दिन की अर्निंग भी शो होती है। यहाँ से ये देखें इनका माइन है, ये भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से ये देखें रिवार्ड का ऑप्शन है, उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन है कि आप जो है किस तरह से जो है अपनी पेमेंट को रिसीव कर सकते हैं। यहाँ से आप जैसे पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं ऐड पेमेंट मेथड, अगर आप ये पेमेंट मेथड पहले से लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। यहाँ से आपके पास ये देखें दो ऑप्शन आते हैं, यहाँ से आप बैंक कार्ड के जरिए भी पेमेंट निकाल सकते हैं, उसके बाद पेपाल के जरिए भी आप निकाल सकते हैं। अगर आपको अब इसकी जो है सेटिंग करने का नहीं पता या आपको ये नहीं पता कि आपने वीडियो कैसे लगानी है जिससे आपकी ये वीडियो वायरल हो, जैसे हम अपने अकाउंट को वायरल करते हैं, तो उसके लिए भी आपने कमेंट कर देना है, उसके लिए भी बाकायदा मैं आपको वीडियो जो है बनाकर भेजूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपको पता है इस तरह के इंटरेस्टेड वीडियो हम रोज़ाना के बेस पर अपलोड करते रहते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखना।